हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो कि बहुत ही इमोशनल है। दरअसल ये स्टोरी दूसरी किसी भी स्टोरी की तरह नहीं है, जहाँ एक लड़का और लड़के मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और साथ में वो खुश रहने लगते हैं। एक ऐसी रुला देने वाली स्टोरी है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। क्या हो गए, आप किसी ऐसे से प्यार करते हो पर आप उसे शादी नहीं कर सकते, और आप ही आपके लवर की शादी किसी और से करा रहे हो। जी हाँ, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। जैसे के और क्रीम एक दूसरे से प्यार करते थे, पर के क्रीम से शादी नहीं करना चाहता था। अब ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहता, इसके लिए हमें ये पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अमेंडा होता है। वो गाना गा रही थी, पर उसे गाने के लिरिक्स कुछ रिलेटेबल नहीं लगते, इसलिए वो गाने को बीच में ही स्टॉप करा देती है। पर म्यूजिक डायरेक्टर कहती है, हमें ये गाना कैसे भी करके चाहिए, तुम बस गाओ। जिस पर अमेंडा कहती है सॉरी, अब वो कार में चली जाती है। एंड वहाँ वो कह रही थी कि मैं गाना गा तो लेती पर टोन और लिरिक्स एटलीस्ट रिलेटेबल तो होने चाहिए। तभी ह्यूंग कहता है कि मेरे फ़ोन में एक गाना है, वो सुनो। वो गाना सुनकर म्यूजिक डायरेक्टर कहती है, लिरिक्स टोन सब मैच करे हैं, इस गाने को हमें चांस देना चाहिए। तब वो पूछती है, ये किसने लिखा है? ह्यूंग कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था। म्यूजिक डायरेक्टर कहती है, मुझे उसके पास ले चलो। सब पहुँचते हैं उस दोस्त के पास। तभी म्यूजिक डायरेक्टर पूछती है कि ये गाना किसने लिखा है? पैंग कहता है, ये गाना क्रीम ने लिखा है। वो कहती है, तुम्हारे पास उसका कॉन्टैक्ट है क्या? क्योंकि हमें उसे हायर करना है, उसके लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं। पर तभी पैंग कहता है कि वो तो मारी गई। फिर हमें एक फ्लैश बैक दिखाया जाता है कि कहानी है चिंग यांग गैंग की, जिसका नाम हम के कह सकते हैं। जैसे के के पापा को कैंसर हो गया था और वो मर चुके हैं, एंड उसकी मदद उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए के हमेशा अपने काम खुद ही करता है। स्कूल जाए तो सबसे दूर रहता है और किसी से भी वो बात नहीं करता, जैसे कि उसके लिए लाइफ पेनफुल बन चुकी हो। फिर दिखाया जाता है कि के बहुत ही तेज भाग रहा है और भागते भागते वो थक जाता है और एक बेंच की ओर जाके सो जाता है। तभी हमें कहानी की फीमेल लीड क्रीम को दिखाया जाता है जो कि सिगरेट पी रही होती है, पर जैसे ही लेडी वॉचमैन को देखती है वो सिगरेट के मुंह के अंदर डाल देती है, और तभी लेडी वॉचमैन उसे पकड़ लेती है। उसे लग रहा था कि सिगरेट के पी रहा है, इसलिए उसके बाल को नोचते हुए उसे ऑफिस तक लाया जाता है। फिर के बाहर आता है और उसे क्रीम देखती है। तभी के कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे डांट मिला। तभी के कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी। जिस पर क्रीम कह रही थी, ये तो माइनर डिमेरिट है, टेंशन मत लो। अब कुछ ऐसा हो गया है कि के और क्रीम की दोस्ती और गहरी हो गई है। दोनों साथ साथ पढ़ते हैं एंड दोनों को ही नूडल्स खाना बहुत पसंद था। दोनों एक दूसरे के बर्थडेज भी सेलिब्रेट करने लगते हैं और लक की बात दोनों का कॉलेज भी सेम रहता है। क्रीम जो खुद भी मस्तीखोर थी वो के को भी अपने साथ ले डूबती है। दोनों साथ में कॉलेज बंक करने लगते हैं एंड एक बार तो दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं, इसलिए क्रीम के घर चली जाती है। के और क्रीम दोनों भीग चुके थे एंड के क्रीम को कपड़े लाकर देता है। एंड क्रीम कपड़े बदलने वाली थी, इसलिए वो के से कहती है, इधर मत देखना। के कहता है, बिल्कुल। आई वंडर घर पे बाथरूम नहीं था क्या, या फिर राइटर का बस सीन कॉम्प्लिकेट करना था। वहीं फिर क्रीम कहती है, तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा है, आई थिंक मुझे यहाँ आ जाना चाहिए। के कहता है, नहीं। एंड तभी दोनों एक लॉन्ग किस शेयर करते हैं। क्रीम कहती है, मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें के ही बुलाऊंगी। वो कहता है, मैं भी तुम्हें क्रीम बुलाऊंगा क्योंकि तुम्हें आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। और तभी हमें पता चलता है के और क्रीम इन दोनों का बनाया हुआ नाम है। फिर वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं और के उसे कहता है, तुम्हारे रोमन फीट हैं। क्रीम पूछती है, रोमन फीट ये क्या होता है? के उसे कह रहा था, जिसके ऐसे फीट होती है उसकी मम्मी पापा उससे ज़्यादा जीती हैं। जिस पर क्रीम कह रही थी, मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट साथ में हुआ था तो मेरी मम्मी मेरे पापा ज़्यादा कैसे जिएगी। तभी के अपनी फीट को देखकर कहता है कि शायद मेरी भी रोमन फीट है क्योंकि मेरी मदर अभी तक जिंदा है ना। लेकिन क्रीम उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना कहती है, अपने पैरों को टीवी के सामने सटाओ। जैसे कि क्रीम को बहुत लाइक करता था, वो उसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे अपनी फीलिंग्स बता सके क्योंकि उसे कैंसर है। एंड अगर वो क्रीम को बता देता है कि वो उसे प्यार करता है तो क्रीम उसे खुशी खुशी अपना शादी कर लेगी। पर के एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो नहीं चाहता कि वो मरने के बाद उसकी वजह से क्रीम को कुछ सहना पड़े। पर फिर कुछ देर बाद के ऑफिस में सो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा स्वेट कर रहा होता है। तभी क्रीम वहाँ पर आती है, उसे जगाती है एंड वो उसे कह रही थी, जब तुम सो रहे थे तुम बहुत ही ज़्यादा स्वेट कर रहे थे। ये कहता है, तुम जाओ यहाँ से, और के दवाई ले लेता है। तभी बोनी नाम के सिंगर वहाँ पर आती है प्रोड्यूसर और पेंग के साथ। एंड यहाँ पर आपको याद होगा वो शॉप के ओनर जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जैसे वो बोनी का मैनेजर था।
हाथों में बोनी दिखाई देती है जो सॉन्ग रिकॉर्ड करी होती है। एंड सचमुच वह बोनी की आवाज़ बहुत ही वाहियात थी, एंड इतनी वाहियात आवाज़ के होने के बावजूद वो उसे लॉन्च करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पर क्रीम से गाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वह बोनी के बाल नोचने लगती है कि कोई इतना भद्दा कैसे गा सकता है। फिर क्रीम घर पर अपने सिर पर ब्लैंकेट डालकर रहती है, और जब के वहाँ पर आता है तो वो नोटिस करता है कि क्रीम अंदर रो रही है। वो उसे कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारी जॉब का कुछ भी नहीं होगा, मैंने उनसे बात कर ली है, बस बोनी से तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्रीम उसे पूछती है कि तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो तुम क्या बनना चाहोगे। कि कहता है, एक रिंग, एक बुक, एक बेड, पेयर ऑफ ग्लास। तभी क्रीम कहती है, क्यों? वो कहता है, ताकि मैं तुम्हारी कंपनी में रह सकूं। एंड तभी हम देखते हैं क्रीम बोनी से मिलने गई है, लेकिन वो जितनी खड़ूस लग रही थी उतनी वो होती नहीं। अब वह आसानी से क्रीम को माफ़ कर देती है, अपने रियल नेम भी उसे बताती है, अपना फ्रेंड बनने के लिए अप्रोच करती है। वही फिर डॉक्टर के पास जाता है, एंड डॉक्टर उसे कह रहे थे, तुम्हारे भी तुम्हारे पापा की तरह सेम कैंसर के सिम्टम्स हैं, काम छोड़ दो और घर पर रेस्ट करो। कि घर आता है तब क्रीम उसे पूछती है, तुम क्या चाहते हो? कि कहता है कि तुम बस एक अच्छे लड़के से शादी कर लो। कि तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो ना? कि कहता है, नहीं, मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। वो उसे कहती है, नाइस गाय की डेफिनेशन देना प्लीज़। कि कहता है, जो अच्छा हो, लविंग हो, केयरिंग हो, जिसके पास अच्छी जॉब हो और जिसकी तबीयत हमेशा सही रहती हो। नेक्स्ट सीन में क्रीम और बोनी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एंड बोनी कहती है, तुम कैसे प्यार करती हो ना? क्रीम कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बोनी कहती है, तो तुम साथ में क्यों रहते हो, और वैसे रह कब से रहे हो साथ में? क्रीम कहती है, जब से हम हाई स्कूल में थे तब से, अप्रॉक्स 10 साल हो चुके हैं। बोनी कहती है, तुम दोनों घर में करते क्या हो? क्रीम रिप्लाई करती है, खाना बनाना, कपड़े धोना, पोछा करना, सब कुछ। बोनी धीरे से पूछती है, वो सब? क्रीम का कहना था, हाँ, पर 0.5 times। बोनी सोच कर कहती है, मतलब कि सिर्फ किस एंड हग्स? क्रीम कहती है, हाँ, क्योंकि हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। पर बोनी को वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता कि वो दोनों 10 साल से साथ हैं पर तब भी साथ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रीम एक पार्टी में गई है, तब उसे एक लड़की बताती है, वो लड़का दिख रहा है वो मेरा क्लासमेट है और वह एक डेंटिस्ट है। तभी क्रीम को के की बात याद आती है और वो उस लड़के से बात करने चाहती है, लेकिन बात करने के लिए उनके बीच कोई भी टॉपिक नहीं होता, इसलिए वो उस लड़के से ग्लास बॉरो कर लेती है और उसी में ड्रिंक करती है। एंड सेम ग्लास में ड्रिंक करने की वजह से वो उसे किस्से मनता है। क्रीम ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो उसके क्लिनिक पहुंच जाती है अपने टीथ चेक करवाने। फिर क्रीम ये बात के को बताती है कि उसे एक अच्छा लड़का मिल गया है, एंड वहाँ पर के खुश भी था और दुखी भी। अभी के की तबीयत और बिगड़ रही थी, एंड वो अभी इस दुनिया में ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं था। ऐसा उसके डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का टाइम और बचा है। क्रीम डॉक्टर यांग से मिलती है, उसे अपनी लिखी हुई लिरिक्स एल्बम देती है और पूछती है, तुम काम के बाद क्या करोगे? वो कहते हैं, कुछ भी नहीं। क्रीम कहती है, तो मुझे ड्रिंक्स पर ले चलो। दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी क्रीम कहती है, क्या तुम किसी के साथ फॉल इन लव हुए हो? वो कहता है, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। एंड इस बात पे क्रीम उससे उसकी रिंग मांगती है और रिंग को उसके ड्रिंक में डाल देती है। रिंग को अपने ड्रिंक में डाल उसे पी जाती है और कहती है, दो टाइप के लव होते हैं, एक डीप लव जैसे रिंग ड्रिंक में सिंक हो गई, और निकाल देने वाला लव जैसे उसने रिंग मुंह से बाहर निकाली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोनी को कोरियोग्राफर प्रैक्टिस करवा रहा होता है, पर प्रोड्यूसर जो बोनी को लाइक करता था वो इरिटेट हो जाता है और गुस्से में उठता है, और बोनी से कहता है, मैं तुम्हें स्टेप सिखाता हूँ, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता था। और तभी उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। उसी वक्त के को चक्कर आने लगते हैं, एंड तभी क्रीम उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है और के से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ था? कि कहता है, कुछ भी नहीं, बस कैल्शियम की कमी हो गई थी। तभी डॉक्टर भी वहां पर आते हैं और कहते हैं कि खाने में कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा हुआ। पर क्रीम कहती है, मैं भी तो वही खाती हूँ जो तुम खाते हो, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर के कहता है, तुम्हें कुछ भी क्यों होगा, तुम मॉन्स्टर जो हो। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर यांग को एक मेल आता है जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड ने किसी और के साथ वाले फोटो होते हैं। ये देख, डॉक्टर यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाते हैं और कहते हैं, ये देखो ये क्या है, मैंने तुम्हारे रहने के लिए घर दिया, पैसे दिए, हमने साथ में पिछले 6 साल से रहते हुए आ रहे हैं, पर तभी तुमने ऐसा किया। वो कहती है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर वो कहते हैं, रहने दो। नेक्स्ट सीन में यांग की गर्लफ्रेंड के को मार रही होती है, लेकिन तभी पैंग आकर के को बचा लेते हैं। जैसे के नहीं, वो फोटो यांग को मेल किए थे। कैसा इसलिए करा था क्योंकि वो चाहता था यांग क्रीम को ना छोड़े। कि फिर से एक बार यांग की गर्लफ्रेंड को मिलने जाता है, जब यांग की गर्लफ्रेंड कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना यांग के मुझ पर कितने एहसान है।
पर तभी के उसे अपनी कैंसर की रिपोर्ट्स बताता है और कहता है जब मैं हाई स्कूल में था तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। और जब इस बारे मेरी मदर को पता चला कि मुझे भी ल्यूकेमिया है तो मेरी मदर ने भी मुझे छोड़ दिया। फिर मेरी ज़िंदगी में आई मेरी दोस्त यानी कि क्रीम, जिसने मुझे खुश रखा और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। प्लीज़ मेरी बात समझो, अगर तुम्हारी राय बदले तो मुझे फ़ोन करना। और ये बोलकर कि वहाँ से चला जाता है, पर यंग की गर्लफ्रेंड उसे रोकती है और कहती है मैं एक एग्जीबिशन में जाने वाली हूँ जिसका थीम है डेथ एंड डेडलाइन, तो अब तुम अब मरने वाली हो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मॉडल पर रहो, कि बिना कुछ बोले वहाँ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रीम यंग के लिए डिनर लेकर आती है एंड यंग कहता है मेरे लिए कोई भी ऐसी डिनर कभी नहीं लाता, तो कहती है कि मैं ले आया करूँगी। फिर हम देखते हैं कि क्रीम यंग को शूटिंग स्टूडियो लेकर आती है, पर उसी वक्त के की वहाँ पर तबीयत खराब हो गई थी। एक सीन में दिखाया जाता है कि के फोटो शूट कर रहा है यंग की गर्लफ्रेंड के लिए, तब यंग की गर्लफ्रेंड पूछती है कि क्रीम हाई स्कूल में कैसी थी, वो कहता है बहुत ही क्यूट। वो पूछती है तुम बताते क्यों नहीं, तुम उसे सच क्यों नहीं कहते। ये कहते हैं सच, तुम्हें पता है अकेलापन क्या होता है, जब हम दोनों ने 16 साल की उम्र में अपनी फैमिली को खो दिया, हम दोनों एक दूसरे की फैमिली हैं और तुम चाहती हो मैं क्रीम को सारा सच बताकर उसकी लाइफ भी स्पॉइल कर दूँ। फिर हम देखते हैं कि यंग और उसकी गर्लफ्रेंड साथ में बैठे हुए हैं और यंग कहता है लेट्स ब्रेक अप, सॉरी मुझे माफ़ करना, पर रोते हुए कहती है अब तुम यही चाहते हो तो यही सही है। फिर हम यंग और क्रीम को साथ में बैठे हुए देखते हैं एंड क्रीम कहती है एक मेरे स्कूल के टीचर मुझे आकर बोले कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, मैंने उनसे पूछा क्यों, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया है। फिर मैं कैसे मिली और हम साथ में रहने लगे, कि कभी कभी मुझे मेरी मम्मी जैसा लगता है, ऑफिस में पापा जैसा या जब मुझे कंफर्ट करें तब भाई जैसा, और कभी कभी तो मेरे लवर जैसा भी। यंग कहता है तुम उसे सच क्यों बोल रही हो, जिस पर क्रीम कहती है मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर हमें कोई भी तकलीफ हो इसलिए। फिर हम देखते हैं कि क्रीम कैसे पूछ रही होती है शादी क्यों करनी पड़ती है, कि कहता है ताकि तुम्हारा कोई ख्याल रख सके जब तुम बूढ़े हो जाओ, लाइफ के लास्ट कुछ मोमेंट्स साथ में रहो। वो कहती है तो मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है, ये सब तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो, और वैसे भी जब से तुम 16 साल के हो तब से कर रहे हो। ये कहता है वो बात अलग है, नहीं शादी अलग होती है। वही फिर हम देखते हैं कि यंग से मिलता है, जिस पर यंग से पूछ रहा था तुम दोनों फ्रेंड्स हो ना लाइक फैमिली, वो कहता है हम दोनों साथ में तो रहते हैं लेकिन कभी कोई भी चीज़ नहीं की। यंग उसे कहता है मुझे तुम पर विश्वास है, चलो हमें क्रीम के लिए वेडिंग ड्रेस खरीदना है प्लीज़। फिर हम देखते हैं कि क्रीम अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करी है, तभी सेल्स कर आकर कहती है कि ग्रूम की ड्रेस आप ट्राई कर लीजिए। ये कहता है मैं ग्रूम नहीं हूँ, पर क्रीम कहती है बहुत अच्छा आइडिया है, जाओ जाकर ग्रूम का ड्रेस ट्राई कर लो। वो उसे पहन कर आता है और वो दोनों फोटो खिंचवा लेते हैं। वही फिर हम देखते हैं कि के वहाँ से कहीं चला जाता है। नेक्स्ट टाइम दिखाया जाता है कि के वापस आ गया और क्रीम उसे कहती है तुम कल कहाँ चले गए थे, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा था, लेकिन कि उसके हर एक सवालों का रियूडली जवाब दे रहा था। एंड के और यंग की गर्लफ्रेंड दोनों मिलते हैं, यंग की गर्लफ्रेंड कहती है तुम चाहते हो क्रीम तुम्हें भूल जाए तो तुम्हें किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहने का ड्रामा करना पड़ेगा, ऐसे ही होता है कि एंड बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब खाना खा रहा होता है तब क्रीम से बात नहीं करता और यंग की गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा होता है। एक सीन क्रीम की शादी यंग से हो रही थी, बल्कि सबके सामने तो हंसता है लेकिन वहाँ वो अपने पास्ट को याद कर बहुत रोता है। एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है या क्रीम एक गाने के लिरिक्स लिख रही होती है, पर उसे कुछ आइडिया नहीं आ रहा होता है तो वो कुछ ढूंढने लगती है, पर तभी उसे के मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मिलती है। उस प्रिस्क्रिप्शन को वो केमिस्ट से चेक करवाती है एंड वहाँ उसे पता चलता है कि ये तो कैंसर की दवाई है। वहाँ उस बेचारी का दिल टूट जाता है एंड ये हम समझ पाते हैं कि क्रीम को सब कुछ पता था कि के को कैंसर है। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं कि क्रीम ब्लैंकेट डालकर रो तो रही थी, पर वो इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि बॉनी ने उसे झगड़ा किया, बल्कि वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उस वक्त उसे सब कुछ पता चल चुका था। हम देखते हैं कि जिस दिन बॉनी और क्रीम बात कर रहे थे तो बॉनी ने उसे कहा था कि के की लास्ट विश पूरी करो, इसे क्रीम यंग से शादी कर रही थी। वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि क्रीम के से हॉस्पिटल में मिलने गई थी, वो अब के साथ उसके आखिरी दिनों में साथ रहना चाहती थी। एंड फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यंग किसी की कब्र पर फूल चढ़ाने आया हुआ है और वो कब्र और किसी की नहीं बल्कि क्रीम की होती है। शॉकिंग है पर सच भी, जैसे जब के और क्रीम साथ बैठे थे तब के मर चुका था और तभी क्रीम ने भी खुदकुशी कर ली थी। वो के बिना नहीं जी सकती थी क्योंकि वही उसकी इकलौती फैमिली था।
और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी थी जिसमें सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल था। एंड गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, सी यू।